हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स, जॉइन द सेशन। यस, आई कांट सी मच स्टूडेंट्स लाइव। यस, प्लीज बी रेडी फॉर द सेशन। यस, आलोक तिवारी, नवीन जालीहल, यस दे आर देयर फॉर द क्लास। संगीता, सुरभि, आलोक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, असेंबल फॉर द क्लास। दिस सेशन इज फॉर क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका मल्होत्रा, पीजीटी बायोलॉजी, केवी पुष्प विहार, न्यू दिल्ली। दिस इज द सिक्स्थ सेशन व्हिच आई एम गोइंग टू टेक ऑन 24th ऑफ अप्रैल 2020 फॉर द चैप्टर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो दैट इज अ पार्ट 6। वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर टुडे एंड साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड मेनी थिंग्स। We had mainly discussed about the fertilization, about the implantation, and at the end of the session, we were discussing about the process of parturition. So, just for a quick recap, what all we discussed yesterday, I want to see whether you have revised that or not. Yes, join in for answering these questions. Yes, now question number one. Question number one goes like this. The most correct sequence of early development of the embryo following fertilization is, so which is the correct sequence? Option A is zygote, blastomeres, morula, and blastocyst. You have to guess the correct sequence in which these stages are formed. Option B, oocyte, zygote, morula, and blastocyst. Option C, zygote, follicles, oocyte, and blastocyst. And then the option D, polar bodies, zygote, graafian follicle, and blastocyst. Which is the correct sequence? Yes, come up with the correct answer. Most of the students are saying oocyte, B option. Most of them are giving option B. See, in the B option, I must tell you, it starts with oocyte. And in the question, it says that the sequence of early development following fertilization. Fertilization ke baad ki stages hi honi chahiye sequence mein. Fertilization se pehle ki nahi honi chahiye. Aur aapko pata hai, jo oocyte stage hai, wo to abhi secondary oocyte banne se pehle ki stage hai. Secondary oocyte tak to abhi fertilization hui hi nahi hoti. है ना, सेकेंडरी ऊसाइट जब पूटेड में कन्वर्ट होता है तब फर्टिलाइज होता है वो। सो दिस कैन नॉट बी द स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज नॉट बी बेटा, थिंक अबाउट इट। फर्टिलाइजेशन के एकदम बाद क्या बनेगा? यस, फर्टिलाइजेशन के एकदम बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। देखिए, आपने ए ऑप्शन देखी ही नहीं है किसी ने। ए ऑप्शन क्या कहती है? फर्टिलाइजेशन के बाद बना जाइगोट, जाइगोट में हुआ क्लीवेज, क्लीवेज के बाद जब दो सेल, चार सेल, आठ सेल बने, उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर्स, और उसके बाद मोरूला बना, और मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनी। सो ए पार्ट इज करेक्ट। नो, यू पीपल आर नॉट गिविंग। यस, क्षितिज तोमर हैज गिवन द करेक्ट आंसर ए पार्ट। निमिषा ने सही दिया, प्रिंस ने सही आंसर दिया, नवीन, जालीहल, आकांक्षा, आकांक्षा नो। सो नवीन तक मेरे को जितने आंसर मिले हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है वो, ठीक है। Yes, Vidya has also given correct answer. Surbhi has also given correct answer. Option A is the correct answer. पहले zygote बनता है, फिर zygote की cleavage के बाद blastomeres, blastomeres के बाद morula, morula के बाद blastocyst. So that is the correct sequence. A part. Now we come to the second question. The extra embryonic structure. Now this term is very important. I am not asking about membranes. I am asking about structure. The extra embryonic structure that provides nutrition to the embryo is option A, chorion, B, placenta,
सी एमनियन एंड डी ऑल ऑफ दीज. यस थिंक अबाउट इट. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है, स्ट्रक्चर है. तो कौन सा स्ट्रक्चर है भाई इसमें? यस राजीव महेश्वरी हैज गिवन, अच्छा सपना, सपना हैज गिवन द करेक्ट आंसर बी राजीव महेश्वरी. निमिषा, सभी ने बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सही बताया आपने. सुरभि, नवीन, सरिता, पवन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन प्लेसेंटा. तो ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है. यस मिथिले, ये राजकुमार, हरिओम, नेहा, सुनीता, क्षितिज, सिंधु, सबने सही आंसर दिया है. विद्या, ज्योत्सना, ऋचा, यस करेक्ट, सबका सही आंसर है, इट इज प्लेसेंटा. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थ्री, इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम द स्पर्म कैनॉट, अगर एक्रोसोम नहीं होगा या फंक्शनल नहीं होगा तो स्पर्म क्या, इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकता? ए पार्ट penetrate into the egg, B part get energy, C option get food, D option swim. इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम? यस कम अप विद द करेक्ट आंसर. यस अब बताइए मुझे सही आंसर क्या है इसका. इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम विच एक्टिविटी विल नॉट बी परफॉर्म बाय द स्पर्म? यस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. अभी तक आप पिछले क्वेश्चन का ही सही आंसर दिए जा रहे हैं, अब आप नए क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन थ्री पे आ जाइए. यस पंकज राजपूत, क्षितिज, राजीव, सुरभि, दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर. तनु, शिवानी, यस सुनीता, बिल्कुल सही. यस खुशी ने पिछले क्वेश्चन का सही आंसर दिया. संगीता, आकांक्षा, सुरभि, रोहन, राज, सरिता, नेहा, धनिष्ठा, संगीता, यस यू ऑल पीपल आर करेक्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. Penetration into the egg, it can't be performed in the absence of acrosome. Now we move on to question number 4. Yes, Kushi, Drishti, Sangeeta, Sunita, sab sahi ho beta, Sushma, sab sahi ho. Ab aap aage aajao, next question pe. Question 4. The uterine layer which undergoes strong muscular contractions for the process of parturition is option A, endometrium, option B, perimetrium, C, myometrium, D, both A and B. Inme se correct kya hai bhai? स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन कौन सी लेयर अंडरगो करती है, या क्या ये दो लेयर अंडरगो कर सकती है, ए और बी एक साथ? सोचिए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस मायोमेट्रियम. दृष्टि चतुर्वेदी इज द फर्स्ट टू आंसर. यस उससे पहले निमिषा ने भी सही आंसर दे दिया था. राजीव महेश्वरी, वेरी गुड. ज्योतिका, सुनीता, नवीन, यस यस तनु, अर्चित, रोहन, रमेश, आशीष, सिंधु, क्षितिज, प्रिंस, इन सभी ने, सुरभि, त्याशा, सरिता, बिपासा, सबने सही आंसर दिया बेटा. श्यामलाल, यस ऑल आर करेक्ट. मोहम्मद मोहसिन, सही है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सो थैंक्स फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. नाउ वी कम टू द स्लाइड विच वी वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे. पार्चुरेशन मैं आपको बता रही थी ये कि एवरेज ड्यूरेशन जो है ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 months होता है, इसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, और विगरस कंट्रैक्शंस होने लगती है यूट्रस में एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सो दैट द फीटस इज डिलीवर्ड आउट. द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस और द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन. पार्चुरेशन, ध्यान से स्पेलिंग देखिए, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फुल्ली फॉर्म्ड यंग वन. ओके नाउ पार्चुरेशन को इंड्यूस कैसे किया जाता है, हाउ इज इट स्टिमुलेटेड, कैसे इंड्यूस होती है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर इसको कंट्रोल करता है. और इसके जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इसके सिग्नल्स फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है. तो ये फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स ओरिजिनेट करता है सिग्नल्स, और इससे धीरे धीरे माइल्ड कंट्रैक्शंस मायोमेट्रियल लेयर में शुरू हो जाती है यूट्रस की, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. यानी कि फीटस अपने ही इजेक्शन के लिए, अपनी ही डिलीवरी के लिए एक रिफ्लेक्स दे रहा है, एक स्टिमुलस क्रिएट कर रहा है. सो दिस इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. पार्चुरेशन का स्टिमुलस कहां से आता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से आता है. अब हम इसके बारे में थोड़े हॉर्मोन्स का कंट्रोल देख लेते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं पार्चुरेशन के प्रोसेस को. Fetal ejection reflex, it triggers, means stimulates the release of oxytocin hormone from the maternal pituitary gland.
आपको पता है ऑक्साइटोसिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है, फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्साइटोसिन इज सिक्रीटेड एंड इट कम्स टू ब्लड, और उसके बाद ये सीधा जाके यूट्रस के मसल, स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है। कौन सी लेयर में होते हैं यूट्रस के स्मूथ मसल्स? यस, इन द मायोमेट्रियल मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग के मिडल लेयर में, मिडल लेयर कौन सी है? मायोमेट्रियम, उसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और ऑक्साइटोसिन के एक्शन से स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले माइल्ड कंट्रैक्शंस होते हैं, फिर दे टर्न इनटू स्ट्रॉन्गर ड्यूटेराइन कंट्रैक्शंस, आगे चल के और स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाते हैं वैसे वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर से स्टिमुलस मिलता है, एक पॉजिटिव स्टिमुलस मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि वो और ऑक्साइटोसिन को सिक्रीट करे। सो मोर विगरस द यूटेराइन कंट्रैक्शंस, मोर इज द रिलीज ऑफ ऑक्साइटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड ऑक्साइटोसिन सिक्रीशन कॉन्टिन्यूज एंड इट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रैक्शंस। इतनी स्ट्रांग हो जाती है कंट्रैक्शंस कि जो फुल टर्म एम्ब्रियो है, जो यंग वन टू बी डिलीवर्ड है, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग से डिटैच होके बर्थ कैनाल में से इट इज गिवन आउट। ओके, अब ये पूरे प्रोसेस में सिर्फ ऑक्साइटोसिन का रोल देखा हमने कि वो यूटेराइन कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर रहा है, राइट? लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके फंक्शन के बिना ये प्रोसेस पार्चुरेशन का पूरा ही नहीं हो सकता। दिस हार्मोन इज रिलैक्सिन। ठीक है, तो दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्चुरेशन के प्रोसेस में। पहला हार्मोन ऑक्साइटोसिन, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि ओवेरियन हार्मोन है और इसको ओवरी और प्लेसेंटा दोनों ही रिलीज करते हैं। इसका काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है रिलैक्सिन का काम है रिलैक्स करना। इसको रिलैक्स करेगा, इट विल रिलैक्स द लिगामेंट्स इन द पेल्विस। तो पेल्विक बोन्स जो आपस में लिगामेंट से अटैच्ड है, कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स पेल्विक बोन्स को आपस में अटैच किए हुए हैं, प्यूबिक सिंफिसिस की बोन्स, उनको धीरे धीरे उसके लिगामेंट्स को रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स कर देगा। जैसे ही पेल्विस की बोन्स, इनके बोन्स के लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे तो पेल्विस जो है वो वाइडन अप हो जाएगा, राइट? और साथ ही सर्विकल कैनाल भी सॉफ्ट हो जाती है और वाइडन हो जाती है। दीज टू इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। सो वॉट रिलैक्सिन डज, इट रिलैक्सेस द लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विस एंड इट ऑल्सो सॉफ्टन्स एंड वाइडन्स द सर्विकल कैनाल। ओके, सो सर्विकल कैनाल, यू नो इट इज अ बर्थ कैनाल। दिस लीड्स टू द एक्सपल्शन और गिविंग आउट ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जैसे ही इन्फेंट डिलीवर हो जाता है तो जो प्लेसेंटा, जो उसके न्यूट्रिशन का सोर्स था, ये भी एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द सेम बर्थ कैनाल एंड द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा आउट ऑफ द बर्थ कैनाल आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड के बर्थ के बाद प्लेसेंटा के टिश्यू दे आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि कौन से हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं पार्चुरेशन को। ऑक्साइटोसिन हॉर्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये मायोमेट्रियल लेयर के मसल्स को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। देन रिलैक्सिन हार्मोन, ये ओवरी और प्लेसेंटा से रिलीज होता है और इसका काम है पेल्विक बोन्स के लिगामेंट्स को रिलैक्स करना और सर्विक्स के कैनाल को, सर्विकल कैनाल को सॉफ्ट बनाना और उसको वाइडन करना, सो दैट द यंग वन और द फुल टर्म यंग वन कैन बी इजिली डिलीवर्ड आउट फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ओके, सो प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज ओवर। Yes, after this, yes, Prince is asking what happens when the relaxin is in less concentration. Yes, if the relaxin is in less concentration, then pubic symphysis will not widen up. Okay, इसका ligaments relax नहीं होंगे, pelvic जो girdle है वो widen up नहीं होगा, और जब तक वो widen up नहीं होगा तो naturally, normally the child birth cannot happen. Okay, then artificially this relaxin hormone is to be given to the patient, and so that the ligaments of the pelvic bones, they can be relaxed. Okay, so next process is lactation. The mammary glands of the female, they undergo differentiation during the stage of pregnancy only, and then this immediately start producing milk after the process of parturition. Okay,
सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी समटाइम्स और समटाइम्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन द मेमरी ग्लैंड्स दे आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस मिल्क एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन. मिल्क प्रोड्यूस्ड इन द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. ओके, ये येलोइश फ्लूइड होता है, पेल येलो फ्लूइड, एंड दिस इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू फीड बिकॉज इट कंटेन्स मेनी एंटीबॉडीज. इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द न्यू बॉर्न बेबीज. जो इननेट इम्यूनिटी हमारे में होती है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलोस्ट्रम. ओके, इट हेल्प्स द न्यू बॉर्न बेबीज टू फाइट अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस. ओके, एंड द एंटीबॉडी इट कंटेन्स इन इट, इट इज IgA टाइप. ये आप चैप्टर नंबर 8 में जाकर पढ़ेंगे. ठीक है, IG means immunoglobulin, A is the type of antibody. तो ये कोलेस्ट्रम में होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाइल्ड में इम्यूनिटी रेज करने के लिए. ओके, आफ्टर द लैक्टेशन नाउ वी कम टू द असाइनमेंट फॉर दिस चैप्टर. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर. इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, इफ यू स्टिल सम डाउट इज रिमेनिंग, यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर इट. नाउ वी कम टू द असाइनमेंट पार्ट ऑफ इट. ओके, in the assignment the question number 1 is what is colostrum, what is its significance to the newborn baby. Just now we have discussed. So what is colostrum? It is a milk produced within the initial few days after parturition. The mother produces a yellowish toned milk and this milk contains many antibodies. Significance kya hai newborn baby ke liye? Iska significance hai it provides innate immunity to fight against many diseases, right? It increases the immunity in the newborn baby. Nourishment to deta hi hai, saath mein hamesha ke liye immunity generate kar deta hai newborn baby mein. Okay, so after this question, we move on to the second question. This you people can easily answer. Yes, question number 2. 3 of the steps of neuroendocrine mechanism in respect of parturition are mentioned below. 6 स्टेप्स में हमने पार्चुरेशन के प्रोसेस को बांटा है, उसमें से 3 स्टेप्स हमने बता दिए हैं और 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स आप गेस करेंगे, आप बताएंगे. राइट द मिसिंग स्टेप्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. स्टेप नंबर 1, सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. ठीक है, पार्चुरेशन प्रोसेस कहां से शुरू होता है? सबसे पहले जब वो फीटस पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है तो वो सिग्नल्स छोड़ता है, सिग्नल्स रिलीज करता है और प्लेसेंटा से भी सिग्नल रिलीज होते हैं. ये सिग्नल रिलीज होने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यस, क्या बोलते हैं इन सिग्नल्स को? सेकेंड स्टेप में वही आएगा, बताइए. ये सिग्नल्स जब ओरिजिनेट होते हैं तो कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट होता है? बी पार्ट में वही रिफ्लेक्स का नाम आएगा. गेस इट, आंसर इन द कमेंट बॉक्स. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स. आंसर द बी ऑप्शन. वॉट यू विल फिल इन द ब्लैंक ऑफ बी? कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट करता है फीटस, बताइए. आई एम नॉट सीइंग मच स्टूडेंट्स आंसरिंग. बहुत कम स्ट्रेंथ है आज बच्चों आपकी. आपको लगा कि ये चैप्टर फिनिश हो गया? नो, दिस चैप्टर इज स्टिल रिमेनिंग. ओके, बी पार्ट में आएगा. यस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, जैसे ही सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं फीटस से और प्लेसेंटा से, एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है विच इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, तो बी पार्ट में आएगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. डोंट वरी, आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, सो डोंट बी इन अ हरी टू नोट डाउन द आंसर्स. ओके, नाउ इन द सी पार्ट, एक बार फीटस ने अगर अपने इजेक्शन के लिए रिफ्लेक्स दे दिया है तो इसके बाद क्या होगा? सी पार्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट सीक्वेंस, सीक्वेंशियल इवेंट क्या होगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आगे कौन से हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है? यस, बताइए कौन सा हार्मोन रिलीज होगा भाई इसके बाद? यस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यस यू हैव गिवन करेक्ट आंसर, वेरी गुड. रसना, आकाश, नो, एलिस, सुनीता, धनिष्ठा, यस बिल्कुल सही. राजीव ने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया इसका, सी पार्ट का सही आंसर दे दिया इसने. It is the release of oxytocin hormone. Yes. Tanishka, Raj, yes. इन सब ने सही आंसर दिया है.
आफरीन, श्याम, अर्पिता, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। यस, ऑक्सीटोसिन, सत्यम, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, सुरभि ने सही आंसर दिया, एलिस ने सही, आफरीन बिल्कुल सही। ठीक है, सब बच्चे सही बोल रहे हैं। सी पार्ट में आएगा, रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए यहाँ हिंट मिल रहा था आपको। डी पार्ट में क्या है, ऑक्सीटोसिन कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कंट्रेक्शंस। इसके बाद क्या होगा, यूटेराइन कंट्रेक्शन स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। लास्ट में क्या होगा, जब ऑक्सीटोसिन का बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कंट्रेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो फिर एफ पार्ट में क्या आएगा, लास्ट इवेंट क्या है भाई। यस, ज्योतिका बिल्कुल सही बेटा, शिल्पी बिल्कुल, नवीन, जमीला खातून, श्याम बिल्कुल सही, साकिब चौधरी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, ऑक्सीटोसिन, संगीता यादव सही है ऑक्सीटोसिन, पंकज ने सही बोला ऑक्सीटोसिन। पर आगे बताओ ना, एफ पार्ट में क्या आंसर आएगा, लास्ट में बताओ, लास्ट इवेंट क्या रह गया, फाइनल इवेंट क्या है बताइए, एफ पार्ट में क्या आएगा। यस, एफ पार्ट में आएगा एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ केनाल, द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द बर्थ केनाल, दिस इज द फाइनल इवेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। यस, हरिओम हैज करेक्टली आंसर पार्चुरेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब आप समझ गए। यस, निमिषा, डिटैचमेंट हो गया एंडोमेट्रियल लाइनिंग से एंड पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। आपको यहाँ प्रिसाइजली यही लिखना है कि द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ केनाल और प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन विल अकर। यस, रसना, धनिष्ठा बिल्कुल सही बोला आपने, सुनीता, सुरभि, प्रिंस बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। यस, सुनीता सही है, आकाश बिल्कुल ठीक, नेहा पोखरियाल, साकिब चौधरी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जमीला खातून सही है, राजीव बिल्कुल ठीक, एलिस, तो यू पीपल आर करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फिगर आपकी एनसीईआरटी बुक की फिगर है और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन वन, स्टेट द लेवल्स ऑफ एफएसएच, एलएच एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंपली बाय मेंशनिंग हाई और लो। ठीक है, आपको बताना है कौन सा हार्मोन हाई कौन सा लो, लेकिन कब बताना है, 13 to 14 day में भी बताना है और 21st to 23rd day में भी बताना है। तो पहले हम 13 से 14 day के बारे में बात कर लेते हैं। 13 14 day पे FSH का लेवल हाई होता है या लो, सर आप हाई या लो लिखकर, FSH के आगे हाई लो लिखकर बताओ। यस, नाउ आंसर दिस, ये जो बच्चे पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन बाय बर्थ, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं, इसको डिटेल में लिख के बताइए। ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सिजेरियन। ओके, सो दैट इज द कंडीशन जो आप मुझे पूछ रहे थे कि अगर रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन अंडर प्रोड्यूस रह जाता है, कोई रीजन है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो का जो पोजिशन है इन द टुवर्ड्स अ बर्थ केनाल इट इज नॉट करेक्ट, हेड शुड पॉइंट टुवर्ड्स द बर्थ केनाल एंड द टेल रीजन शुड बी टुवर्ड्स द अपर साइड, इफ द पोजिशन इज नॉट करेक्ट देन द नॉर्मल पार्चुरेशन कैन नॉट हैपन एंड देन देर हैज टू बी इट हैज टू बी ऑपरेटेड आउट। ओके, तो ये सब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक है क्वेश्चंस। यस, ये बच्चों ने आंसर करना भी शुरू कर दिया। आपने मेरे को बताया कि 13 से 14 day पे FSH हाई है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सबने, वेरी गुड। FSH का लेवल हाई है 13 से 14 day तक। LH का लेवल बताइए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यस, वेरी गुड, नेहा बता दिए ऐसे कि LH भी हाई रहता है 13 14 day तक, LH भी हाई रहता है, FSH भी हाई रहता है। और प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 13 से 14 day आप देख रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कितना लो है, देख रहे हैं आप, ये 13 से 14 day है, प्रोजेस्ट्रॉन इज वेरी लो, LH इज वेरी हाई, FSH इज ऑल्सो वेरी हाई। ठीक है, अब हम 21st से 23rd की बात कर लेते हैं। यस, निमिषा, ज्योत्सना, विद्या, राज, प्रिंस सब सही कह रहे हो, सबने सही आंसर दिया है, सुनीता सही आंसर दिया है। अब हम बात करते हैं 21st से 23rd। यस, आंसर देना शुरू कर दिया है आपने, प्रिंस, सुनीता, आकाश सबने बोला लो, सुरभि लो बिल्कुल ठीक। अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, 21st से 23rd day तक FSH का लेवल लो रहेगा, LH का लेवल भी लो रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। देखिए हम यहाँ सीक्वेंस देखें जरा, 21st से 23rd day कहाँ आ रहे हैं, यहाँ 21st से 23rd देखें ऊपर, ये देखिए FSH का लेवल कितना लो है, LH का लेवल लो, FSH का लो, और ये प्रोजेस्टेरोन देखो। यस, ये बिल्कुल पीक शो कर रहा है,
तो 21st 23rd डे तक प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखाई दे रही है, समझ आ रहा है आपको इस डायग्राम से? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम देखकर ही आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ऑफ द अबव मेंशन फेजेस डज एग ट्रेवल टू फेलोपियन ट्यूब, बताइए कौन से फेज में एग जो है फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ओविलेशन हो रही है यहाँ, ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल ओविलेशन हो गई, इसके बाद ही यहाँ से एग रिलीज हुआ है और इसके बाद ही ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, तो ये कौन से फेज में पहुंच रहा है उसके बारे में आंसर दीजिए। इन विच फेज, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही आंसर दे दिया बेटा, वेरी गुड। 21 to 23 प्रोजेस्टेरॉन हाई, FSH-LH लो रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन और FSH-LH एंटागनिस्टिक हार्मोन्स है, जब प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो FSH-LH को लो होना ही है, ठीक है ये आप ध्यान रखिए। चलिए अब बताइए आप कौन से फेज में एग ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, जिसको हम अलग से हमने बात की थी। यस, फॉलिकुलर फेज के एंड में ये ओविलेशन हो जाती है, इसे हमने अलग से ओविलेटरी फेज के फॉर्म में भी पढ़ा था, ठीक है। ओविलेटरी फेज में ओविलेशन हो जाती है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया और फेलोपियन ट्यूब के एम्पोला में पहुंच गया, तो आप एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज भी लिख सकते हैं और ओविलेटरी फेज भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। आपकी बुक में ओविलेटरी फेज अलग से नहीं बताया हुआ, तो एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज इज करेक्ट। Why there is no menstruation after fertilization? Now the next question. Yes, बताइए। Fertilization के बाद menstruation क्यों नहीं होती? क्योंकि fertilization के बाद embryo बन चुका है, उसकी implantation हो चुकी है और ये corpus luteum active हो चुका है, ये progesterone को synthesize कर रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब तक corpus luteum से progesterone बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल ब्लड में रहेगा, वो इनहिबिट करेगा FSH और LH के सिक्रीशन को, ठीक है। इसका मतलब FSH LH will remain low if the progesterone is secreted by the corpus luteum, right? जब तक FSH LH लो रहेंगे तब तक ओवरी में कोई नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, और अगर ओवरी में नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल विल ऑल्सो बी एट अ रेस्ट, इट विल बी अरेस्टेड फॉर द टाइम बीइंग टिल द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन अकर्स, ओके। तो इसका आंसर आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपॉन फर्टिलाइजेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द परसिस्टिंग कॉर्पस ल्यूटियम एंड द प्लेसेंटा, ओके। सो ऑल द आंसर्स आर गिवन ओवर हियर, यू कैन रेफर टू दिस आंसर शीट फॉर गेटिंग द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस, ओके। सो नेक्स्ट वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, अ स्पर्म फर्टिलाइजेस अ ह्यूमन एग इन द फेलोपियन ट्यूब, you all know in the ampulla region, trace the events, ye 5 marks mein ya 3 marks mein question aa sakta hai, trace the events that the fertilized egg will undergo up to implantation of blastocyst in the uterus, yani ki aapko events kahan se batane shuru karne hai, fertilization ke baad se, zygote formation ke baad se, theek hai, kab tak batane hai, jab tak blastocyst ka formation hua aur wo implant ho gayi in the endometrium of the uterus, ye pura explain karna hai aapko, aur agar ye 5 marks mein aayega to iska diagram bhi banana hai, ठीक है। ये 3 mark क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो इसमें दो चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे, क्लीवेज ऑफ द जाइगोट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड फाइनली द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो क्लीवेज में आप क्या बताएंगे, फर्टिलाइज्ड एग इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग बाय स्पेसिफिक, यहाँ बाय आना था सॉरी, स्पेसिफिक माइटोटिक डिविजन कॉल्ड क्लीवेज, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिविजन इन द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट टू फॉर्म daughter cells, ठीक है, and the cells formed as a result are called blastomeres. तो blastomere की formation हो रही है. 3 to 4 days after fertilization, morula turns into 16 to 32 cell stage called blastocyst. Blastocyst में या blastula में outer peripheral cells they form trophoblast and the inner cells they form inner cell mass. The embryonic stage with blastocele, which is called blastula or blastocyst, it is implanted in the endometrium of uterus. तो यहां तक आपको एक्सप्लेन करना है अलोंग विद द डायग्राम इफ इट इज गिवन एज्ड इन 5 mark क्वेश्चन, अगर डायग्राम नहीं पूछा है 3 mark का क्वेश्चन है तो इतना ही बताना है। आई होप नाउ यू नो हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रेफर टू द क्वेश्चंस गिवन एट द इन द एनसीईआरटी बुक एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस इन योर कॉपीज, okay? If you find any difficulty, you can post me a comment and I will answer that. Okay, that ends our chapter 3, human reproduction.
एंड एज वी हैव मच टाइम लेफ्ट वील स्विच ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द सेम सेशन चैप्टर 4. आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर एंड द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डील टुमारो. सो हियर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इट इज अ पार्ट 1 विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद. यस, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं. वेरी गुड. ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग व्हाई डू मिसकैरेज अकर्स. मिसकैरेज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इट कैन बी सम डिफेक्ट इन द फीटस, सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी कैन बी देयर, एंड इट कैन ऑल्सो बी द रीजन की इम्प्लांटेशन जो है प्रिसाइजली नहीं हुई है, बहुत ही सुपरफिशियल हुई है, और उसके बाद जैसे ही वो ग्रो होने लगा, साइज इंक्रीज हुआ फीटस का, तो वो डिटैच हो गया एंडोमेट्रियम से एंड इट फॉल्स इन द यूट्रस. देयर कैन बी सो मेनी रीजंस. इवन द फीटस कैन अंडरगो सम इन्फेक्शन, सम वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसका ऑटो अबॉर्शन हो सकता है. तो बहुत सारे रीजन होते हैं मिसकैरेज के. इट्स अ वास्ट थिंग. तो ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, फिर भी मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है. ओके बेटा, आपको मेरे नोट्स मिल सकते हैं या फेसबुक पे लिंक प्रोवाइडेड है, जिसपे जितने मैंने आपको अभी तक पीपीटी दिखाई है वो सभी वहां मेरे लेक्चर्स के साथ दी हुई है. ठीक है, सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होगी. पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का ये खबर रखती है, ख्याल रखती है. जैसा कि अभी आपने देखा, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक जो पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, उसमें सारी गाइडलाइंस WHO से ही आ रही है. ठीक है, कहाँ क्या हो गया, क्या स्टेटस है, क्या हमें सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, वो सब डायरेक्शंस WHO से आ रही है. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है. इन अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट. सो ओनली द फिजिकल वेलबींग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. द इंडिविजुअल ऑल्सो हैज टू बी इमोशनली वेल, बिहेवियरली ही शुड बी वेरी वेल, ही शुड बी स्टेबल इन हिज बिहेवियर, एंड ही शुड बी सोशली वेल. ओके, तो ये चारों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए. राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज फ्रेम की गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड ओवर और स्पेशली इंडिया में. ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ये हेल्थ केयर का, जिसमें वो ऐसे प्रॉब्लम्स को दे थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स एंड दे प्रोवाइड द स्ट्रेटजीज. और ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, कुछ NGOs भी हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस डायरेक्शन में काम करती हैं, और बहुत सारा उनका जो काम है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में सोसाइटीज में हेल्प करता है. राइट, तो इंडिया जो है उन बहुत फर्स्ट कंट्रीज में से है जो सबसे पहले जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस को जाना और फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया. ये प्रोग्राम 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था, फैमिली प्लानिंग, बिकॉज एट दैट टाइम द पॉपुलेशन आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली. ज्योमेट्रिकली मीन्स वेरी फास्ट. ठीक है, बहुत जल्दी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और इतनी पॉपुलेशन आउटबर्स्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी चिंता उनको हुई कि भाई पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ेगी तो रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाएंगे. इसीलिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग जैसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया. ठीक है, और आपको पता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, ह्यूज नंबर ऑफ सिबलिंग्स वुड बी वर देयर इन अ सिंगल फैमिली. तो इसीलिए उसको देखते हुए इन्होंने फैमिली प्लानिंग का एक स्टार्ट किया इनिशिएटिव. ठीक है, और आपने ये स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो, तो दे फोकस्ड ऑन टू चिल्ड्रन नॉर्म. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ. If a society is reproductively healthy, then of course, general health of the society will also be good, and the crimes and all the ill aspects of the society will be very less. Okay? बहुत ही productive होगी ऐसी society जिसमें reproductive health अच्छी है, right? Now, improved programs covering wider reproductive related areas are currently in operation.
ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन पे फोकस कर रही है और उस पे बहुत सारे काम कर रही है, और ऐसे जो एरियाज हैं उनको एक पॉपुलर नाम दिया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH प्रोग्राम्स। इसका फुल फॉर्म आ सकता है आपको, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं, मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन यंग लोगों की, ये इस प्रोग्राम का हिस्सा है। चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया गया, इसको लीगलाइज कर दिया गया कि जो मैरिजेबल एज है वो 18 ईयर्स एंड अबव है फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स एंड अबव फॉर मेल्स, ओके। तो ये मैरिजेबल एज जो एक डिसाइड की गई, इसने चाइल्ड मैरिज जैसे जो अब्यूजेस थे हमारी सोसाइटी में उसको खत्म कर दिया, और इससे पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एज, इट ऑल्सो हैज टू बी एन ऑप्टिमम एज। सो ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया, इस चाइल्ड बियरिंग एज जो ऑप्टिमम एज है उसके हिसाब से ही मैरिज की एज को लीगलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मेच्योर स्टेजेस हैं, बहुत ही मेच्योर डिसीजंस हैं जो एक सोसाइटी ने, किसी एक सोसाइटी की गवर्नमेंट ने किए हैं वहां की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ओके। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, फीचर्स फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, द लीगलाइज मैरिजेबल एज, द लीगलाइज चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे ये सोसाइटी में अवेयरनेस फैला रही है, कैसे हमें अवेयर करती है, बहुत सारे ऑडियो विजुअल मेथड्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट में पूरा जो इसका हायरार्की है हेल्थ केयर सिस्टम की, इवन ग्राउंड लेवल तक है, गांव में भी आंगनवाड़ी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ये इनिशिएटिव लेती हैं गवर्नमेंट के इन प्लान्स को गांव तक पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत छोटी छोटी स्किट्स करके, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स करके, नुक्कड़ नाटिका, ये सब क्या, दीज आर द वेज, ये सब ऑडियो विजुअल मेथड्स हैं। इवन जो प्रिंट मीडिया है, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, हमारी मैगजीन्स हैं, ये प्रिंट मीडिया भी हेल्प करता है गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को आम जनता तक पहुंचाने का, राइट। फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, सेक्स एजुकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स टू प्रोवाइड द अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स, ओके। द स्टूडेंट्स हु आर इन द एडोलेसेंस एज, दे मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ व्हाट इज एडोलेसेंस, द स्टेज आफ्टर कंप्लीटिंग द प्यूबर्टी व्हेन द इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मेच्योर इज कॉल्ड एडोलेसेंट एज, ओके। जब वो चाइल्डहुड से निकलकर एडल्टहुड की तरफ आ रहा है उस एज को एडोलेसेंस एज कहते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि एडोलेसेंस प्रोग्राम्स बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जिसमें सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को, राइट। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स, ये सभी ऐसे एरियाज हैं जिनकी जानकारी स्टूडेंट लेवल से ही, एडोलेसेंट एज से ही होनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स आपके साइंस के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये बहुत ही सोच समझ के इंट्रोड्यूस किए गए हैं बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज से इन सभी एस्पेक्ट्स के लिए एजुकेट करने के लिए, ओके। सो नाउ वी कम टू एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक का नाम है, ठीक है। इट इज अ प्री नेटल टेस्ट, प्री नेटल मतलब बच्चे के बर्थ से पहले ही हो जाने वाला टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, ये टेस्ट को किया जाता है ये जानने के लिए कि जो फीटस यूट्रस में डेवलप हो रहा है मदर के, क्या वो हेल्दी है, उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है। वी नो वी हैव गॉट 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम जो है कुछ पर्टिकुलर जीन्स को कैरी करते हैं, जीन्स कुछ पर्टिकुलर करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हर एक जीन एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम डिफेक्टिव होगा, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट डिफेक्टिव है, तो उस पे पाई जाने वाली जीन्स भी डिफेक्टिव होंगी।
और वो जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी फिर अगर वो चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो वो उसका एक्सप्रेशन डिफेक्टिव होगा, सच एम्ब्रियो विल बी मालफॉर्म्ड, ठीक है, उसका मालफॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब, और वो प्रॉपर इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होगा। तो अगर ये बहुत अर्ली स्टेज में ऐसा कोई डिफेक्ट पता चल जाता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो इन इट इज नॉट करेक्टेबल, तो ऐसे में उस एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज में ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये डिसीजन कि एम्ब्रियो हेल्दी है या नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसको लेने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक में असल में होता क्या है, आप सबको मैंने बताया था कि एम्ब्रियो के आसपास एक कैविटी होती है जब वो यूट्रस में इम्प्लांटेड है, उस कैविटी का नाम एमनियन है। एमनियन कैविटी के अंदर एक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें एम्ब्रियो सस्पेंडेड है। एम्ब्रियो की बॉडी को बार को वो टच कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, एंड सम ऑफ द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो दे फॉल इन द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन में है तो एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो के सेल्स जो है वो गिर जाते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड का अगर कुछ पार्ट हम निकालते हैं एम्ब्रियो के अंदर से और फिर उसके अंदर से सेल्स निकाल कर सेल्स को ब्रेक ओपन करके उसके क्रोमोसोम्स के पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो हम ऐसी इमेज जनरेट कर पाएंगे जैसी आपके सामने दिखाई हुई है। इसे कहते हैं कैरियोटाइपिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। देख रहे हैं आप पूरे 23 क्रोमोसोम, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड से लेकर 23rd पेयर तक सारे दिखाए हुए हैं। तो इनका अरेंजमेंट कर लिया जाता है, कैरियोटाइपिंग कहते हैं इसको, और उसके बाद स्टडी किया जाता है इसको एक करेक्ट कैरियोटाइप से, स्टैंडर्ड कैरियोटाइप से इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जिस भी एम्ब्रियो की कैरियोटाइपिंग की है हमने, उसको स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग से कंपेयर किया जाता है देखने के लिए कि हर एक क्रोमोसोम का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, लेंथ है, बराबर है या नहीं है। उसके मेंबर्स, हर एक क्रोमोसोम पेयर में दो ही मेंबर है, कहीं एक मेंबर कम तो नहीं हो गया, कहीं एक मेंबर ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ये सब चीजें हम एमनियोसेंटेसिस के रिजल्ट में चेक करते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ प्रीनेटल टेस्ट इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एमनियोटिक सैक सराउंडिंग द फीटस फॉर टेस्टिंग। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। इट इज, ठीक है, तो अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ हमने एक कैरियोटाइपिंग स्टडी की, एमनियोसेंटेसिस का रिजल्ट देखा, इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये 21st पेयर क्रोमोसोम का है, इसमें दो ये पर्पल कलर के मेंबर्स तो इसके अपने हैं जो सही हैं, एक तीसरा मेंबर फालतू में आ गया है। देखिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है 21st क्रोमोसोम, और जब 21st क्रोमोसोम के दो मेंबर ना होके तीन हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, एक सिंड्रोम को जनरेट करती है, डाउन सिंड्रोम। सच एन इंडिविजुअल विल बी डिफेक्टिव इंडिविजुअल, ओके, इसमें डिफेक्टिव जो करेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलप होंगे, और अगर टाइम रहते ही एम्ब्रियोसेंटेसिस में ही पता चल जाता है ये, तो हम इस एम्ब्रियो का डिसीजन ले सकते हैं कि इसको एबॉर्ट कर देना चाहिए, इट शुड नॉट टेक बर्थ, ओके। सो दिस इज अ प्रीनेटल टेस्ट इन विच सच डिफेक्ट्स कैन बी फाउंड। देखिए यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम दिखाया हुआ है, 18th क्रोमोसोम में तीन मेंबर आ गए हैं, ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम में हो गई है। यहाँ देखिए टर्नर सिंड्रोम दिखाया हुआ है, जो 22 क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स वो तो बिल्कुल सही है, 23rd क्रोमोसोम में एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, ना वाई है और ना दूसरा एक्स है, एक्स के साथ ओ मतलब जीरो, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक ही मेंबर है, इसमें दूसरा मेंबर ही नहीं है सेक्स क्रोमोसोम का। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, इसे एक्स ओ क्रोमोसोम का जो इम्परफेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंड्रोम्स जो है ये किसका रिजल्ट होते हैं, ये रिजल्ट होते हैं किसी ना किसी क्रोमोसोमल डिफेक्ट का, ठीक है। और ये डिफेक्ट हम पता लगा सकते हैं प्रीनेटल टेस्ट करके, एमनियोसेंटेसिस जिसका नाम है। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल टेस्ट है, हमने बर्थ से पहले ही पता लगा लिया, और अगर ये बहुत जल्दी पता चल जाता है तो ऐसे एम्ब्रियो को हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा डिफेक्टिव चाइल्ड बर्थ ना ले, क्योंकि अगर ऐसे चाइल्ड का बर्थ हो गया इट विल बी अ सफरिंग फॉर द पेरेंट एज वेल एज द चाइल्ड, ठीक है। लेकिन ये टेक्निक जो है ये मिसयूज की जा रही है टेक्नीशियंस द्वारा, लोगों द्वारा। कैसे, आप देख सकते हैं इस टेक्निक में क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो दिख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 23rd क्रोमोसोम का स्टेटस भी पता चल रहा है। देखिए 23rd क्रोमोसोम, यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है, ठीक है, क्लियरली पता चल रहा है। तो इससे ये भी जानकारी मिल जाती है कि जो एम्ब्रियो है ये आगे चल के मेल ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है कि फीमेल। और आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आर मोर प्रेफर्ड, मेल चिल्ड्रन आर प्रेफर्ड, ठीक है।
तो ये हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये उसकी ये एक थिंकिंग है, एक गलत धारणा है कि मेल चाइल्ड जो होता है ये प्रेफर किया जाता है। तो इसीलिए अगर कैरियोटाइपिंग में ये पता चल जाए कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल, फीमेल चाइल्ड अगर पता चल गया कि है तो उसको कोई भी फेवर नहीं करेगा। एंड देयर आर मेनी कंजर्वेटिव फैमिलीज हु वुड नॉट लाइक अ फीमेल टू टेक बर्थ इन देयर फैमिलीज, एंड बिफोर बर्थ ओनली दे विल ट्राई टू अबॉर्ट सच अ फीमेल फीटस। इसे फीमेल फीटिसाइड कहते हैं, फीमेल फीटस का जो उसको किलिंग, किलिंग द फीमेल फीटस। ठीक है, तो इसको मिसयूज कैसे किया जाता है? टू चेक द फीमेल सॉरी फीटल सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। And suppose the developing fetus is female fetus, it might be aborted. Okay, तो इसका female feticide का ये एक कारण बन सकता है। इसीलिए जो technicians होते हैं उनको ये उनसे एक oath ली जाती है, उनसे उन्हें कहा जाता है कि ये undertaking दे कि वो कभी भी sex determination reveal नहीं करेंगे parents को, और ये technique को सिर्फ use करेंगे chromosomal defect की जानकारी देने के लिए। Okay? So next is population explosion and birth control. आपको पता है इंडिया में population explosion हम already reach कर चुके हैं। ठीक है, the population is exponentially increasing, resources are falling short, that is increasing the competition among the population. ठीक है, तो ये population explosion को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें population के increase को रोकना पड़ेगा। वो कैसे रोकेंगे हम? By controlling the live births, ठीक है, birth control करके। Improved quality of life of people, increased health facilities and better living conditions, ये तीन कारण है population explosion के। ये question आ जाता है paper में, board exam में पूछा जाता है कि chief reasons क्या है population explosion के। पहला कारण है improved quality of life, हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी हमें health care में facilities मिल गई हैं, या हम लोगों ने हमारी सोसाइटी इतनी फैसिलिटीज अटेन कर चुकी है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, और दूसरा हमारे हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, बहुत एडवांसमेंट की है, इसलिए जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो इंक्रीज हो गई है, एवरेज एज इंक्रीज हो गई है इंडियन इंडिविजुअल्स में। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन में, तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने लिविंग कंडीशंस को बेटर कर दिया है, और इन्होंने एक एक्सप्लोसिव इंपैक्ट कॉज किया है ऑन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड ज्योमेट्रिकली बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। और रीजन क्या है? डेथ रेट रैपिडली लो हो गया है। ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ, पहले क्या होता था बर्थ के टाइम, पार्चुरेशन के प्रोसेस के टाइम मेडिकल कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड नहीं होती थी, जो फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस नहीं मिलती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, इसीलिए पार्चुरेशन के टाइम कॉम्प्लिकेशंस आने पे जो टू बी मदर्स हैं उनकी डेथ हो जाती थी, समटाइम्स इवन द यंग वन यूज टू डाई। लेकिन अभी क्या है, बहुत अच्छी जो पार्चुरेशन फैसिलिटीज जो है, चाइल्ड बर्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है इवन एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ अवर विलेजेस, इसीलिए मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत कम हो गया है। ठीक है, IMR infant mortality rate at the time of the birth, the infants used to die because of the lack of healthcare facilities. अब infant mortality rate भी कम हो गया है, बहुत अच्छे से live births हो जाते हैं because of the increased healthcare facilities. ठीक है, तो ये इन सभी reasons की वजह से जो population explosion है वो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा reproductive age group में individuals human population sorry Indian population में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन जल्दी बढ़ती है इसीलिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है, ये भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, तो और कारण क्या हुए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? डिक्लाइन इन द डेथ रेट, डिक्लाइन इन द मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दीज आर द चीफ रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडियन पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के स्टेप्स क्या है? यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, दे अवॉइड द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो पॉपुलेशन का कंट्रोल अपने आप ही हो जाएगा। दे ऑल्सो एजुकेट पीपल अबाउट द डी मैरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, अवेयर किया जाता है लोगों को
कि लार्ज फैमिली होगी तो सबको प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सबको लिविंग लाइफ कंडीशंस हेल्दी नहीं मिलेंगी, ठीक है, उनको ऑप्शंस कम अवेलेबल होंगे ग्रोथ के, अपने आप को डेवलप करने के, नई अपॉर्चुनिटीज के, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी होगा अगर लार्ज फैमिलीज होंगी, ठीक है, लेस फाइनेंस विल बी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, ओके, इंक्रीज इन द मैरिजेबल एज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, बताया मैंने आपको लीगलाइज कर दिया गया है, मेल्स इनकी लीगल एज 21 इयर्स है और फीमेल की लीगल एज क्या है 18 इयर्स, तो मैरिजेबल एज लीगलाइज करना, उनको इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स हैविंग वन और टू चिल्ड्रन, ऐसे लोग जिनको एक या दो जिनके बच्चे हैं उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज फेवरिंग ओनली टू चिल्ड्रन नॉर्म, अगर किसी का जो थर्ड चाइल्ड होता है तो उस थर्ड चाइल्ड को फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसको एजुकेशन लोन, एजुकेशन फैसिलिटीज या फिर कंसेशन इन द फीस, ऐसा कुछ भी थर्ड चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। इवन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द मेटर्निटी लीव एंड द चाइल्ड केयर लीव, ये सब भी थर्ड चाइल्ड के लिए नहीं है, तो ये सभी इसीलिए नॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि पीपल दे रिस्ट्रेन टिल द टू चिल्ड्रन, दे ऑप्ट फॉर टू चिल्ड्रन नॉर्म, ओके। सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को डिटेल में हम कल स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता रही हूँ। They are used to prevent the unwanted pregnancies and they also modify the menstrual cycle. Ovulation को stop कर देते हैं ताकि ना fertilization हो और ना ही population increase हो, ठीक है? Ideal contraceptive में क्या traits होने चाहिए? ये बहुत important question है, आपको exam में आता है। Ideal contraceptive should be user friendly. It should be easily available in the market. It should be very effective in controlling the population. ठीक है? It should be effective in controlling the fertilization. It should be reversible when the family or when the parents they want to have a child, then they can stop using contraceptive method and then they can plan their family. Okay, so this contraceptive method is used only till the time the family increases, not planned. Okay, it should not have any side effects. कोई side effect नहीं होना चाहिए contraceptive method का. तो ये फाइव मेन फीचर्स हैं जो किसी कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस में या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होने चाहिए, तभी उसे आइडियल माना जाएगा, तभी उसको यूज करना प्रॉफिटेबल होगा। नाउ असेसमेंट, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसके उसके कॉन्सेप्ट की असेसमेंट के लिए एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द टर्म फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एम टू नो द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटर्स एंड टू डिटेक्ट द कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, तो फीटर्स का सेक्स भी इसे पता चल जाता है और कॉन्जेनिटल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कोई है तो भी पता चल जाते हैं, ऐसे प्रीनेटल टेक्निक का नाम क्या है? यस, ट्राई टू आंसर विद इन टू मिनट्स, आई एम गोइंग टू फिनिश द लेक्चर। यस प्लीज ट्राई टू आंसर। यस, the name of this technique is amniocentesis, okay, so amniocentesis, yes, Alice is the first one to answer, so amniocentesis wo pehli wo technique hai jo ki developing features ke congenital disorders ko aur sex ko determine karti hai, yes, Sangeeta, Hariom, you all are correct, yes, Rasna, sahi hai, ab second question pe aa jate hain, Akanksha Upadhyay, correct, Pankaj, acha Pankaj ne second question ko kar diya, very good, name the fluid from which fetal cells are extracted for chromosomal analysis, the answer is amniotic fluid, Pankaj Rajput is first one to correctly answer it, yes, amniotic fluid is the fluid from which fetal cells are extracted for chromosomal analysis in the amniocentesis technique. Question number 3, yes, question number 3 pe aa jaye, why has the government imposed a statutory ban on amniocentesis, because amniocentesis also gives the information about the status of sex chromosomes and it leads to फीमेल फीटिसाइट, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पे स्टैट्यूटरी बैन लगा दिया है। यस, निमिषा हैज गिवन करेक्ट आंसर, आकांक्षा, हरिओम, सत्यम, एमनियोटिक फ्लूइड सही आंसर है, संगीता, नेहा पोखरियाल, राधा, राजीव, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, विद्या बिल्कुल सही बोल रहे हो, एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल सही है। यस, अकजीवा हैज गिवन द करेक्ट आंसर टू थर्ड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइट, बिल्कुल सही, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, Give the term for rapid population. क्या बोलते हैं भाई इसको? Rapid population growth को क्या term दी गई है? Yes, yes. हरिओम, third question का सही answer दिया। अब fourth question पे आ जाइए। Rapid population growth के लिए क्या term है?
इट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यस, निमिषा ने थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही बात, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। सो यहाँ पे मैंने आपको इन क्वेश्चंस के देखिए सही आंसर दे दिए हैं, असेसमेंट की एक्सरसाइज विद आंसर्स है आपके रेफरेंस के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक सो फार। अभी तक सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन स्टडी की है, कल हम इसके टेक्निकल पार्ट पे आएंगे इस चैप्टर के। सो स्टडी द चैप्टर टिल द टॉपिक वी हैव कवर्ड एंड कम अप विद द डाउट्स इफ एनी। यस, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, वेरी गुड, बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई फिनिश द सेशन हियर ओनली। Take care of yourself and your family. Stay safe at your homes. Thank you.